स्टेज पे तशरीफ फरमा, युवा दिलों की धड़कन, बंगाल की सरजमी पर रहने वाले हमारे इमरान सोलंकी साहब और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले सफीउल्लाह साहब, हमारे भाई दिलावर साहब, एस के सलीम साहब स्टेज पे बैठे, तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान मजलिस की मोहब्बत पर यहाँ पर आए मेरे मौजूद साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी पसे पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे आकर सुनेंगे तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे भाई जो पीछे से सुन रहे हैं, आप तमाम लोग आगे आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, ये कोई चुनावी मैदान का दौर तो नहीं, ना ही ये कोई इंतखाबी जलसा रखा गया है, ना ही चुनाव का दौर है। आपको मालूम है कि मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर बंगाल की सरजमी पर आई है तो बंगाल की सरजमी पर आने का मकसद मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का क्या है मेरे भाई? आज मैं बंगाल की सरजमी पर दिल्ली की सरजमी से तशरीफ लाया हूँ तो बंगाल के मुसलमानों, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया हूँ, तुम्हारे आगे इत्तेहाद की झोली फैलाने आया हूँ। आपको मालूम है मेरे भाई, आप बंगाल की सरजमी पर रहते हो, 72 साल हो गए हमारे आजादी को, लेकिन 72 साल की इस आजादी में कभी हमने कांग्रेस का साथ दिया तो कभी सीपीएम को जिताया, तो कभी राष्ट्रवादी को जिताया, तो कभी तृणमूल कांग्रेस वादियों को जिताया। मेरे भाई आपको मालूम है 30 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी, 30 साल सीपीएम में आपके यहां हुकूमत करी और 10 साल अब तृणमूल कांग्रेस ने हुकूमत करी, लेकिन आपने कभी सोचा है इन 70 साल की आजादी के बाद अगर मुल्क का जायजा लिया जाए? हम तो तमाम जमातों का साथ देते आए मेरे भाई, सबके झंडे उठाते आए, लेकिन इन 72 साल की आजादी के बाद अगर मुल्क का जायजा लोगे मेरे भाई तो पता यह चलता है, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आती है, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट आती है, रंगानाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है, तो पता यह चलता है मेरे भाई कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो 25 करोड़ की आबादी में है, आज दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आज कोई हमारे हालातों को पूछने वाला नहीं। मेरा सवाल है, क्या मुल्क की आजादी के बाद हमारे आबाओ अजदाद ने यह सपने देखे थे कि हमारी कौम के बच्चे अपने शहरों से बाहर जाकर किसी होटलों में काम करेंगे या किसी साइकिल की दुकान में पंचरों को लगाएंगे? आप देख लीजिए मेरे भाई, आज हमें क्या दिखता है, आज बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, आज इनके चीज तन पर मेरे भाई अच्छे लिबास नहीं है और वही दूसरों के तन पर अच्छे लिबास है, आज हमारे बच्चों के कांधों पर बस्ता नहीं है मेरे भाई, तो वही दूसरों के कांधों पर बस्ता है, पढ़ने के लिए स्कूल है, अस्पताल है, इलाजों के लिए अस्पताल है, लेकिन हमारी बस्ती 72 सालों के बाद भी मेरे भाई सबसे खस्ता हाल है, सबसे सबसे कमजोर और दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज मैं बंगाल की सरजमी पर आया हूं मुसलमानों, तो तुम्हें एक पैगाम देने आया हूं, जब आप यहां से जाओ तो एक इरादा लेकर जाना, एक सोच लेकर जाना, एक जज्बे को लेकर जाना कि दिल्ली से एक दीवाना आया था और आपको इत्तेहाद का पैगाम देकर गया। मेरे भाई मेरी बातों को जरा गौर से सुनना कि खून का दरिया बहता है, लाशें भी गिरती है, माएं भी बिलकती है और बच्चे भी ताकते हैं, हम ही रोते हैं और हम ही मरते हैं, लेकिन फिर भी हम शान से कहते हैं हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे भाई जालिम भी हमको कहते हैं, जालिम भी हमको कहते हैं और जुल्म भी हम पर करते हैं, गोली भी चलती है पर सीने हमारे होते हैं, अजमत भी लुटती है मगर बहने हमारी होती है, फिर भी हम शान से कहते हैं हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे मस्जिद भी हमारी थी मगर मस्जिद को भी। आज जब मुझसे सवाल किया जाता है कि क्या किया है तुमने हिंदुस्तान के लिए, क्या पहचान है तुम्हारे हिंदुस्तान में, तो मैं उनको यह जवाब देता हूं, हिंदुस्तान हमारी शान है,
हिंदुस्तान हमारी आन है, हिंदुस्तान हमारी पहचान है। तो मुझसे सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने क्या किया, तो मेरे भाई मैं उनको जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आज तुम हमसे सवाल करते हो कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, लाखों उलमाओं ने कुर्बानियां दी है। आज बैठे हैं यहाँ पर दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले, मेरे भाई का मुल्क गुलाम था इन गोरे अंग्रेजों के हाथों, तो इन उलमाओं ने, इन दाढ़ी वालों ने, इन टोपी वालों ने एक फतवा जारी कर दिया था, कहा था मुसलमानों जिस तरीके से तुम्हारे लिए पांच वक्त नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए जकात फर्ज है और जिस तरीके से तुम्हारे लिए रोजा फर्ज है, इसी तरीके से इन अंग्रेजों को मुल्क से भगाना भी फर्ज है, इन अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। और मेरे भाई हिंदुस्तान की तारीख कहती है, हिंदुस्तान की सच्ची तारीख कहती है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ न था जहां पर दाढ़ी और टोपी वाला लटका रहे था। मेरे भाई मुल्क की आजादी के लिए हमने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, आज तुम हमसे सवाल करते हो कि क्या किया है मुसलमानों ने, फिर मुझसे सवाल करते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों रह गए, हिंदुस्तान में क्यों रह गए। तो बता दिया था, और मेरे भाई हम क्यों जाए पाकिस्तान, ये लाल किला भी हमारा है, ये जामा मस्जिद भी हमारी है, ये कुतुब मीनार भी हमारा है, फौजा का दरबार भी हमारा है, कलिया का दरबार भी हमारा है, अरे हमारे पुरखों की जागीरदारी है हिंदुस्तान, हम क्यों जाते पाकिस्तान। लेकिन मेरे भाई फिर ये मुझसे सवाल करते हैं, जब इतना किया है हिंदुस्तान के लिए तो फिर तुम्हारे साथ ही धोखा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही धोखा क्यों होता है। तो मैं इनको जवाब देता हूं कि हमारे साथ इसलिए धोखा होता है, हम गुजरात में कटते रहे, मरते रहे, इंसानियत हम तोड़ते रहे, मां बहनों की अजमत लूटते रहे, मुजफ्फरनगर जलता रहा, मुजफ्फरनगर में हमारे लोग बेघर हो गए, तमाम लाशें ही लाशें चारों तरफ, मर गया अजना, मर गया पहलू खान, मर गया फजल खान, मर गया जुनेद और मर गया मिनहाज, लेकिन हम आपस में इत्तेहाद नहीं ला पाए, हम मुत्तहिद नहीं हो पाए, इसलिए धोखा बन गई है हमारी पहचान, इसलिए धोखा बन गई है हमारी पहचान। फिर उससे सवाल करते हैं तो फिर आप दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो, तो मुसलमान दूसरों पर भरोसा क्यों करता है, तो मैं फिर उनको यह जवाब देता हूं कि मुसलमान इसलिए दूसरों पर भरोसा करता है क्योंकि यह डरता है इन आरएसएस और बजरंग दल के कुत्तों से, मुसलमान डरता है बीजेपी से और इसकी डर और दहशत से, कभी कांग्रेस का झंडा उठा लेता है, कभी राष्ट्रवादी का झंडा उठा लेता है, कभी समाजवादी का झंडा उठा लेता है, कभी बहुजन समाजवादी का झंडा उठा लेता है, तो कभी तृणमूल कांग्रेसवादी का झंडा उठा लेता है। हम डरते हैं, आपस में फिरके बिरादरी को लेकर लड़ते हैं, सुन्नी बरेली वहाबी को लेकर लड़ते हैं, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं, इसलिए दूसरों पर भरोसा करना हमारी पहचान बन गई है। तो फिर मुझसे सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में आगे कैसे बढ़ेंगे, जब धोखा भी तुम्हारे साथ, तुम भरोसा भी दूसरों पर करते हो, तो हिंदुस्तान के मुसलमान आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं उनको जवाब देता हूं, और मैं जवाब नहीं देता, यह जवाब आपका नहीं है, मैं उनको जवाब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देता हूं। वो कहते हैं मुसलमानों को जगाऊंगा, मुत्तहिद करके दिखाऊंगा, जालिमों को सजा दिलाऊंगा, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाऊंगा, और मुसलमानों के हाथों में अब किसी कांग्रेस का झंडा नहीं, या किसी राष्ट्रवादी का झंडा नहीं, बहुजन समाजवादी का या समाजवादी का नहीं, तृणमूल कांग्रेसवादी का नहीं, मुसलमानों के हाथों में मजलिस का झंडा पकड़ाऊंगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा मेरे भाई। लेकिन इसके लिए मुसलमानों तुम्हें मुत्तहिद होना होगा,
इत्तेहाद दिखाना होगा, हमें आगे बढ़ना है मेरे भाई। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, हम लोग कहते हैं कि काश काश नवासा रसूल के साथ हम भी करबला के मैदान में होते तो हम यजीदियों का मुकाबला करते। नवासा रसूल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम यजीदियों के साथ लड़ाई करते, उनका खात्मा करते। हम ये बातें तो कर लेते हैं, लेकिन आप जब इस दौर में एक अकेला मरते मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब इन आरएसएस के कुत्तों से, इन बजरंग दल के कुत्तों से अकेले टक्कर सामना कर रहे हैं, बीजेपी वालों का सामना कर रहे हैं, तो हमारे लोग ही उन्हें झुकाने पर लगे रहते हैं, हमारे लोग ही उन्हें कमजोर करने पर लगे रहते हैं। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते, लेकिन मेरे भाई जरा सोचो, आज ये फिरका परस्त ताकतें, ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बीजेपी, ये तमाम जमातें हमें झुकाने में लगी है मेरे भाई। ये हमारे जुबान से अपनी आवाज सुननी चाहती है। जरा सोचो, अगर इमाम हुसैन चाहते तो यजीद को अपना अमीर समझ सकते थे मेरे भाई, लेकिन इमाम हुसैन को मालूम था अगर मैंने एक यजीद को अपना अमीर समझा तो कयामत तक नाना जान की उम्मत एक जालिम को अपना अमीर समझती रहेगी। और आज ये लोग झुकाना चाहते हैं। मुसलमानों, उस दौर को याद करो कि नवासा रसूल ने कितनी कुर्बानियां दी है, वो सलीक से हिजरी, रोजे आसूरा, मैदान कर्बला वाला सुलगती हुई रेत, सूरज अपनी आबो ताप के साथ चमक रहा था, लेकिन एक चेहरा पुरनूर सब पर इमामा और जुआ पर इल्लाहुमा साबरीन का वृत्त था, कमर झुकी हुई थी, शायद जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया था, होटल में कुछ पपड़ी थी, शायद कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन जुआ पर इल्लाहुमा साबरीन का वृत्त था। सबर का पैमाना अपना ब्रेक होने पर था, क्योंकि हुसैन इब्ने अली के हाथों में अली असगर थे। हुसैन ऐलान करते हैं, ए यजीदियो, इस लड़ने से बच्चे को दो बूंद पानी दे दो, ये छह महीने का बच्चा प्यासा है, ये प्यास की शिद्दत से मर जाएगा। हुसैन तपती हुई रेत पर अली असगर को लिटा देते हैं, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं मेरे भाई, वैसे ही अली असगर के लब होठों से तड़पड़ा रहे थे। ये देखकर यजीदियों के संगीन फौजी भी मुंह फेर फेर करने लगे कि ऐलान होता है, ए होलिना, हुसैन के कलाम को कटा कर दे। फिर होने क्या था मेरे भाई, तीन मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिससे वैसी जानवरों का शिकार किया जाता है, वो तीर ऐसा चलाया कि अली असगर के गले को चीरता हुआ खाके कर्बला पर जा गया, लेकिन हुसैन है कि अभी भी जुआ पर इल्लाह हुमा साबरीन का वृत्त है। अरे मेरे भाई, इमाम हुसैन ने मैदान कर्बला में अपनी सुन्नत का नमूना छोड़ा और कि जालिमों के सामने कैसे खड़ा होना है, जब्र के सामने कैसे मुकाबला करना है। और मुसलमानों, जब्र के सामने कहीं झुमेली में तैयार खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 500,000, 2,000 नहीं, 22,000 यजीदियों के सामने अकेले तैयार खड़े हो जाना और 72 लाशों में जख्म सीने पर बेटे भतीजे भाई बांझे की लाश उठा चुके, 72 लाशें बिन कफन के लाइनों में पड़ी थी, लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहरता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहरता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन जी मकान है ये कौन। इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया, जिस्म पर इतने जख्म कि जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन जब वो नबी का नवासा नमाज के लिए सस्ते ले गया तो इन यजीदियों ने उनके सर को कलम कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया, और इमाम हुसैन ने कहा, मैं यही तो पैगाम देने आया था उम्मत मुस्लिमा को, ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता, और ये सर झुकेगा तो पाक पर और दिगार के आगे झुकेगा मेरे भाई। और आज आप लोग दूसरों से लड़ रहे हो, बीजेपी और आरएसएस की इसकी दहशत में आते हो, आपको हिंदी तो आती होगी मेरे भाई, मेरी बातों को समझ रहे हो, मेरी माँ बहने भी सुन रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। मैं हिंदी, क्योंकि मेरे भाई मुझे बंगाली नहीं आती, मैं मात्र चाहता हूँ अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मैं बोलता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि आज हम लोग कितना कमजोर हो चुके हैं। आज मैं इस बंगाल में खड़ा हूँ,
आप बताइए बंगाल के हाल ही देख लीजिए, आज हमारे बच्चे दूसरे शहरों में नौकरियां करने जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं। आपको वो वाक्य मालूम होगा, आपके बंगाल का ही अफजल खान जो राजस्थान में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बच्चों को खुश रखने के लिए आपके शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाता है कि दो वक्त की रोटी अच्छी मिलेगी, मैं अपने बच्चों की शादी कर पाऊंगा, मैं अपनी बेटियों की शादी कर पाऊंगा, मैं उनका घर पाल पाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, जब उस शख्स के साथ इंसानी दरिंदों ने, ये भगवा आतंकी के गुंडे ने जिस तरीके से उस मजदूर को ले जाकर मजदूरी के नाम पर मेरे भाई उस पर कुल्हाड़ी और तलवारों से वार किया और यहाँ तक भी उनका जीना भरा तो उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग में डाल दिया मेरे भाई। वो जुल्म की तस्वीर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के फोन में थी, तमाम लोग उस तस्वीर को देख रहे थे। लेकिन जब उस तस्वीर को उसकी बेटी ने देखा होगा या उसकी बीवी ने देखा होगा तो वो किस तरीके से तड़प रही होगी। बेटियां चीख चीख कर कह रही होगी कि कोई मेरे अप्पा को बचा लेता, कोई मेरे अप्पा को बचा लेता। मेरे भाई वो दर्द की तस्वीर क्या होगी। जरा सोचिए, आप लोग यहाँ से दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में काम करने जाते हो, दूसरे स्टेटों में काम करने जाते हो मेरे भाई, आखिर क्यों ये दरिंदगी तुम्हारे साथ? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। अगर हमारे पास ताकत होती, अगर हम एक अच्छा नुमाइंदा चुनते, अगर हम लोग एक कयादत में होते तो मेरे भाई हम मजबूत होते तो हमें दूसरे शहरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये लोग आपसे कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ये कर दिया, मुसलमानों के लिए वो कर दिया। मेरे भाई, असल मायने में मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में कुछ मिला है तो वो सिर्फ धोखा मिला है मेरे भाई, और धोखा हमारी पहचान बन गई है, धोखा हमारी पहचान बन गई है मेरे भाई। आज ये लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मजलिस का हिंदुस्तान के अंदर कदम रख रही है मेरे भाई, तो मजलिस का कदम रखने का पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो मेरे भाई, चाहे वो दिल्ली हो, अगर मजलिस कहीं जा रही है तो आपके हक और हुकूक के लिए जा रही है मेरे भाई। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को मालूम है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा जुल्म वबारियत हुई है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हुई है। अगर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कामयाब होगी मेरे भाई, जब जाकर ये जुल्म सितम का दौर खत्म होगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए मेरे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस किस लिए गए। आज ये लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं, मेरा सवाल है उनसे, मजलिस उत्तर प्रदेश में जाने का कारण क्या था? मुजफ्फरनगर मेरे भाई चल रहा था, मुजफ्फरनगर में हमारे लोग बेघर हो रहे थे, हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, हमारी माँ बहनों की असमत लूटी जा रही थी मेरे भाई, कोई हमारा सहारा नहीं था, किसी ने भी नुमाइंदे में जाकर ऐवान असेंबली का आवाज नहीं था। आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन गई मेरे भाई, मतलब असेंबली का इलेक्शन लड़ा लेकिन मजलिस का कोई नुमाइंदा कामयाब होकर नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शौकत अली साहब ने जो मेहनत करी, शौकत अली साहब को जो जिम्मेदारी दी, मेरे कायद का इस तरह से दिलोवैसी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दिया के इलेक्शन में 29 कॉर्पोरेटर जीत कर आई यूपी के अंदर मेरे भाई, और वो कारोबार बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का सीएम जब तेलंगाना में जाकर ये बात कहता है कि हैदराबाद में अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हम ओवैसी को भगा देंगे, तो मेरा सवाल था उस टकले से जिसके सर पर बाल नहीं लेकिन बातें बड़ी बड़ी, मेरा सवाल था कि अगर तू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भगाने की बात कर रहा है, अरे जो तेरे 29 दूना भाई जीत कर आए बैरिस्टर उत्तर प्रदेश में, तो उनको तो तू भगा नहीं सकता और शेरों को जंगल से भगाने की बात कर रहा है मेरे भाई। और आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दो शेर जब असेंबली में गूंजते हैं, वारिस पठान साहब, इम्तियाज जरीन साहब, आधी रात को भी मुसलमानों पर कोई बात आती है तो वो मरते मुजाहिद ऐवानों से लेकर सड़कों तक आपकी आवाज पाते हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है, मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को यह समझ में आ चुका है महाराष्ट्र
रखे कि हमारे साथ धाकलपी हुई है, ना इंसाफी हुई है। आज महाराष्ट्र के अंदर वो आलम है जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जाती है वहां इंकलाब के साथ एक इंकलाब बर्पा करती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर मेरे भाई हमारे 150 से भी ज्यादा वल्दिया के कॉर्पोरेटर है। ये काम है मजलिस का, मजलिस के नुमाइंदे जीत कर जाते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, वो तुम्हारे हक और हुकूक की बात करते हैं। आज बिहार के अंदर मेरे भाई आपके नजदीक है किशनगंज, आप देख लीजिए बिहार का आलम, आज किशनगंज का क्या आलम है। 72 साल की आजादी के बाद अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका है, सबसे बदहाल कोई इलाका है, सबसे कमजोर कोई इलाका है तो वो किशनगंज है मेरे भाई। आज जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किशनगंज ले आया गया, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किशनगंज की हालात देखे तो उन्होंने कहा किशनगंज के लोगों से कि मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ मेरे भाई अख्तर मीरान साहब को और उनकी सोच को, जिस जो मजे मुजाहिद 3 बार मेरे भाई 3 बार मेंबर ऑफ असेंबली रहने के बाद भी, 3 बार MLA रहने के बाद भी जब उनको यह लगा कि बिहार के अंदर या किशनगंज के अंदर मुसलमानों की कोई आवाज नहीं बनता, अगर मैं आवाज बनता भी हूं तो ये लोग मुझे दबा देते हैं, उन्होंने दूसरी जमातों से पल्ला झाड़ लिया और मजलिस के साथ आकर कहा कि मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ मुसलमानों के हक पर इंसाफ की आवाज उठाऊंगा और किशनगंज को इंसाफ दिलाऊंगा, किशनगंज में रहने वाले लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे भाई वहां बच्चों की तालीम के लिए अच्छे स्कूल नहीं, सड़कें नहीं, नालियां नहीं, बच्चे एक बदहाली में है, उनको तालीम की इतनी सी जगह नहीं, स्कूल जाने के लिए 70-70 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है मेरे भाई। यह हालात है, मैं सलाम करना चाहूंगा और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बिहार का आलम बदलेगा और अख्तर मीरान साहब जब कामयाब होंगे तो आप देखिएगा कि किशनगंज के हालात भी बदलेंगे मेरे भाई। और मैं बंगाल की सरजमी पर आया हूँ तो तुम्हें यह पैगाम देने आया हूँ, आप लोग मुत्तहिद हो मेरे भाई, पैगाम दो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, जगह जगह जाओ मेरे भाई, बताओ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना के अंदर आप देख लीजिए मेरे भाई जहां से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बाहर निकली है। 40 लाख की आबादी है मेरे भाई, 40 लाख की आबादी में मुसलमानों की आवाज है, मुसलमान मुत्तहिद है, मुसलमानों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, इलाज के लिए अच्छी नालियां है, अच्छी सड़कें हैं। लेकिन बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो मेरे भाई, हमारी बस्तियों में खुशहाली नहीं है, हमारी ये सड़कें भी अच्छी नहीं, नालियां भी अच्छी नहीं, बच्चों के तालीम के लिए स्कूल भी अच्छे नहीं, इलाज के लिए अस्पताल भी अच्छे नहीं। क्यों मेरे भाई, जब 40 लाख की आबादी में तेलंगाना में रिजर्वेशन मिल सकता है मेरे भाई, तो आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी आबादी हमारी, बंगाल के अंदर इतनी बड़ी आबादी हमारी, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी हमारी, तो फिर हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता मेरे भाई? क्योंकि आप लोग दूसरों पर भरोसा करते हो, दूसरों का नारा लगाते हो। मेरे भाई ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो, आओ मेरी आवाज के साथ एक आवाज मिला दो मेरे भाई और नारे तकबीर की सदा गुजार दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, एक एक हाथ खड़े करके नारा लगाना मेरे भाई, बहुत खामोशी से सुन रहे हो, नारे तकबीर मेरे भाई, नारे तकबीर का नारा है बुलंदाबाद में बोलो मेरे भाई, दिल्ली से आए इतनी दूर और आप लोगों को इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाले। मेरे भाई तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें सोचना होगा, वक्त की जरूरत है, मुल्क के हालात आपके बीच में है मेरे भाई, हम लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोग दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम लोग मुनज़्ज़म नहीं होंगे मेरे भाई, कोई हमारी आवाज नहीं बनेगा, कोई मेरे हक की बात नहीं करेगा मेरे भाई। आज आप देख लीजिए आज हम लोग किस तरीके से कमजोर हो चुके हैं, आज ये लोग कहते हैं कि हमारी शरीयत को बदल डालेंगे, हमारे इतिहास को मिटा डालेंगे, हमारी तारीख को बदल डालेंगे, असल मायने में हमारी तारीख का नहीं मालूम मेरे भाई। मैं इनको बता देना चाहता हूं,
सुनो जो हमारी तारीख बदलने के सपने देख रहे हो, सुनो जो हमारा इतिहास बदलने के सपने देख रहे हो, सुनो जो हमारा शरीर बदलने के सपने देख रहे हो, सुनो कच्छा धारियों, सुनो बजरंग दल वाले सब बीजेपी वालों, हमारी तारीख क्या कहती है? तुम हमारी तारीख मिटाओगे? अरे हमारी तारीख कहती है कि हमारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद गया, अरे इब्राहिम का तो कुछ ना हुआ लेकिन नमरूद का नाम और निशान मिट गया। तुम हमारी तारीख मिटाओगे? हमारी तारीख कहती है कि हमारा मूसा समंदर के दरिया का सिरा चीर कर समंदर पार कर गया, अरे मूसा का तो कुछ ना हुआ फिरौन का नाम और निशान मिट गया। तुम हमारी तारीख मिटाओगे? अरे हमारी तारीख कहती है 313 हजारों के लश्करों से टका गए और चश्मे फर्क ने भी देखा, दुनिया की पूरी कायनात को बदल दिया मेरे भाई। और ये हमारी तारीख मिटाएंगे? अरे नरेंद्र मोदी तेरी 5 साल की तारीख थी और इंशाअल्लाह 2019 में मिट जाएगी, लेकिन जो सदियों से तारीख चलती आई है, ना उसे यजीद मिटा पाया, ना उसे फिरौन मिटा पाया, ना उसे नमरूद मिटा पाया, तो फिर चाय वाले तेरी तो औकात क्या है? मेरे भाई आप देख लीजिए मुल्क के हालात, रोजगार के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ मेरे भाई, एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, राजा के महल में